A balloon which is always spherical has a variable diameter of 3 by 2, 2x plus 1. Find the rate of change of its volume with respect to x. So आपको इसमें find करना है dv upon dx, क्योंकि volume को किस respect में आपको differentiate करना है, x की respect में, है ना? So balloon यानी volume of balloon जो भी होगा वो क्या होगा, ये वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल होगा, यानी जो स्फेयर होता है स्फेरिकल ही होता है बैलून, तो वो आपका वैल्यू आता है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना? इफ़ योर रेडियस इज कैपिटल आर, सो दिस इज योर फॉर्मूला। ओके, अब इसमें दो तीन चीज़ें देखने वाली हैं कि आपको डायमीटर ये बोला है, है ना? और डायमीटर वो एक्स की फॉर्म में है और जो डिफ्रेंशिएट करना है वो भी एक्स की फॉर्म में ही है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी एक्स की रिस्पेक्ट में, तो हम 4/3 पाई ऐसे रह देते हैं और हम आर क्यूब का डिफ्रेंशिएट करते हैं, है ना? हम आर क्यूब का 2r 3r स्क्वायर टाइप्स का करते हैं, फिर डी आर अपॉन डी एक्स कर देते हैं नॉर्मली, है ना? बट दिस टाइम ये अप्रोच गलत हो जाएगा, ये अप्रोच गलत हो जाएगा। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि जब आपको ऑलरेडी डायमीटर एक्स की फॉर्म में दे रखा है, सो इट्स बेटर कि हम इसको यहाँ पहले पुट कर लें और देन इजीली इसको डिफ्रेंशिएट कर दें। ओके, सो इंस्टेड ऑफ दिस अप्रोच हम यहाँ पे क्या करेंगे, वॉल्यूम में पहले हम यहाँ से इस डायमीटर का अगर ये वैल्यू है तो रेडियस डेफिनेटली हमारा 3/4 2x प्लस 1 हो जाएगा, है ना? क्योंकि डायमीटर का हाफ होता है आपका रेडियस। सो रीज़न इज़ वेरी सिंपल, डायमीटर जो भी होगा, है ना, वो ट्वाइस ऑफ r होता है, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, d अपॉन 2, और d यहाँ पे क्या दे रखा है, d की वैल्यू यहाँ पे आपको दे रखी है 3/2 2x प्लस 1, तो यहाँ से हमारा रेडियस क्या जाएगा, 3/4 2x प्लस 1। सो यहाँ पे आप लिखेंगे 3/4 2x प्लस 1 का होल क्यूब। जब आपने इसको फर्दर सॉल्व किया, ये बना 4/3 पाई, 3 का क्यूब आपको हो गया 27, 4 का क्यूब आपको हो गया 64, और यहाँ 2x प्लस 1 का क्यूब, है ना, 2x प्लस 1 का भी क्यूब हो गया। अब जब आपने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, और इन वैल्यूज़ को अगर हम कट करते हैं, सो दिस इज़ नथिंग बट 9, दिस इज 16, तो 9/16 पाए तो ऐसे ही रहेगा, और 2x प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा 3 2x प्लस 1 का स्क्वायर, और जब 2x का भी हम करेंगे तो वो बन जाएगा 2, है ना? सो फाइनली जब आप इसकी इंटू करवाएंगे, 3 × 2 = 6, 6 × 9 = 54, और 54 को जब आप 16 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 27/8, जब आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे, है ना? सो फाइनली आपका आंसर आएगा 27/8 पाई इज देयर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर, प्लीज नोट इट डाउन, थैंक यू।